हम सब ने इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। हम सब ने इस मुल्क का रोशन चेहरा दुनिया को दिखाना है, जो होगा आराइशों से आरास्ता, मोहब्बतों से भरा एक नया पाकिस्तान, रोडन इनक्लेव का पाकिस्तान। सुना है जमीन पर की गई सरमायाकारी कभी नुकसान नहीं देती, बशर्ते कि यह सरमायाकारी सही जगह और सही वक्त पर की गई हो। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने से पहले किन अवामिल को मद्देनजर रखना जरूरी है। दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट और मेच्योर प्रोजेक्ट। अपकमिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बनिस्बत मेच्योर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के वैल्यू एड का मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कीमतें कम होती हैं और आपके पास इंस्टॉलमेंट में पे करने की ऑप्शन भी मौजूद होती है, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट तरक्की करता जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाता है और वैल्यू ऐड भी होती रहती है। लोकेशन, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लोकेशन इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोडन इनक्लेव रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर वाकई है। मेन अडियाला रोड और रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर पर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को खास अहमियत हासिल है। लोकेशन के साथ साथ ये भी देखना होता है कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से बेसिक इम्यूनिटीज कितनी फासले पर है, जैसा कि एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंक, हॉस्पिटल्स और आबादी कितने दूरी पर, कितने फासले पर है, और क्या वहाँ पर ऑलरेडी बिजली, गैस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात में असर है। रोडन इनक्लेव न सिर्फ अपनी आइडियल लोकेशन और एग्जिस्टिंग इम्यूनिटीज, बल्कि जावा और खसाला डैम की कुदरती खूबसूरती और सीरीन एनवायरनमेंट की वजह से अपनी मिसाल आप है। कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट, ये एक अहम बात है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का कंपनी बेस्ड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया वो किसी फर्द वाहिद की मिल्कियत है या किसी कंपनी की। और आपको इल्म हो, इनक्लेव इज ओन बाय रिमर्सको प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए ISO सर्टिफाइड है। प्लानर एंड डिजाइनर, हाउसिंग सेक्टर में अगर ये देखना हो कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट से कितना मेयारी है, तो उसके लिए उस हाउसिंग सोसाइटी के प्लानिंग और स्टैंडर्ड को देखा जाता है, और इससे भी ज़्यादा ये देखा जाता है कि प्लानिंग और मेंटेन करने वाला इदारा कौन सा है। रोडन इनक्लेव के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के टॉप कंसल्टेंट ग्रुप नेस्पाक को दी गई है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक नामवर इदारा है। बेहतरीन प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंसल्टेंसी के साथ साथ किसी भी सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए डेवलपर बुनियादी हैसियत रखता है। एक बाएतमाद और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, रोडन इनक्लेव की डेवलपमेंट और बरवक्त डिलीवरेंस में रोडन इनक्लेव के साथ साथ is offering unbeatable low prices to its valuable customers. Allah Pak ke fazl o karam se Rudan Enclave family mein aane wala har fard bharpoor fayde mein hai. So aaj hi apne behtar mustaqbil ke liye faisla kijiye aur Rudan Enclave family ka hissa baniye, kyunki hum rishta nibhana jante hain.